यहाँ तीन चार जगह पानी की टूटियाँ चीजें जिसमें 24 घंटे पानी आए। एक टूटी लगाई भी उसमें एक घंटा पानी आता सारा ही। उस समय हमने बेस बना हुआ जी खाली पड़ा है, हमने कहा था यहाँ से उखाड़ के उसको वहाँ लगा दो, लेकिन आज तक कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी उसके बाद भी कोई नहीं। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एक ही बड़ा पार्क है जिसका नाम शिवालिक पार्क है। इसमें रोजाना सुबह और शाम बच्चे और बुजुर्ग खेलने और सैर करने आते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा काम करने के बावजूद कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती हैं। इस पार्क में ही ऐसी ही कई कमियां रह गई हैं, जिसमें पीने के पानी की समस्या काफी बड़ी है। आपको बता दें यहाँ एक या दो ही टूटी लगी है जिससे पानी पिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी पानी कभी कभार ही आता है जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए आपको ये अर्थ प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले मैं अर्थ प्रकाश का धन्यवाद करता हूँ कि ये चैनल जड़ा मनी मारे की आवाज़ा चकदा हर आवाज़ नू चाहे छोटी से लेके बड़ी तक खबर लोगों तक पहुँचाता। इस वास्ते मैं इसके चैनल का और इसके दर्शकों का तय दिल नालों का धन्यवाद करदा। सब तो हूँ मैं गल दसदा शिवालिक गार्डन पार्क की। यहाँ ना एक टूटी लगाई गई है और उस टूटी में सिर्फ 2 घंटे पानी आता। यहाँ तीन चार जगह पानी की टूटियाँ चीज़ें हैं जिसमें 24 घंटे पानी आए, क्योंकि यहाँ लोग 24 घंटे यहाँ लोग की सैर करने आते हैं, 24 घंटे यहाँ मेला भरया रहा, बच्चे यहाँ आके खेलते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी, जबकि प्रशासन को चाहिए कि यहाँ एक कूलर लगाया जाए जो कि ठंडा पानी मिले। एक टूटी लगाई भी उसमें 1 घंटा पानी आता सारा ही। पानी दिन आते नहीं, सिर्फ 1 घंटा पानी आना हूँ भी, 1 घंटा सिर्फ। वाटर कूलर दफ्तर के लगा दो, यहाँ कूलर लगा दो, अपना वाटर कूलर लगा दो यहाँ पे। साढ़े सीनियर सिटीजन की जी एसोसिएशन है उन्होंने मिली है साढ़े कौंसलर साहब ने, उन्होंने कहा भी मैं कोशिश करूँगी कि अपने फंड में कुछ लगाव। हूँ पता नहीं लगाते या नहीं लगाते, अज तक तो मैं लगता नहीं किसी भी कौंसलर ने यहाँ ध्यान दिया हो, या कई कौंसलर हो गए 25 साल बने नो इन्हों हो चले हैं पार्क में ही। जद्दा बनया उसके बाद इसकी दुर्दशा ही हुई है, कोई अच्छी मतलब उसकी डेवलपमेंट कोई नहीं, सुधार नहीं सकया कोई भी। यहाँ 1 पार्षद था उस टाइम, यहाँ 3 पार्षद हो गए हैं। 3 पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इन्ने बच्चे खेलन आते हैं, क्योंकि जरा ये पिया एक अपना जरा सिर उस यूज आता छठ पूजा, इसको तोड़ के यहाँ बनाया जाए, लोग बच्चों खेलने वास्ते दूसरा ग्राउंड बन जूगा, नहीं बनना एक स्टेडियम बना दें या दूसरा छोटा जिसमें लोग बच्चे अपने कला कर सकें, कुछ भी कोई प्रोग्राम करना किसी ने वो कर सकें, किसी ने किट्टी पार्टी करनी हो कर सकें, इसमें तोड़ के वो बनाया जा सकता। लेकिन मेरा नाम तरसेम है जी, क्या कहना चाहूँगा, हम आप पानी के लिए बोलते हैं जी। जैसे देखो कितनी पब्लिक है इस पार्क में, इस टाइम देखो कितने बच्चे हैं, सब प्यासा गर्मी का मौसम है जी, तो कम से कम यहाँ 2 कूलर पानी के लगने चाहिए ताकि बच्चे या बुजुर्ग आदमी जो भी बैठते हैं कम से कम उनको पानी तो मिले पीने के लिए। और इतने बड़े पार्क में 1 टूंटी क्या वो रीजनेबल है? हम तो ये कहना चाहते भी कम से कम 2 वाटर कूलर लगे यहाँ, और जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं जैसे भी लोग हैं उनको पानी पीने के लिए पानी मिले। और दूसरा हम इसकी समस्या के लिए गए थे जी, एक मिनट परवाना साहब, इसकी समस्या के लिए गए थे जी, हम मैडम से भी मिले थे, ये हमारे सिर में बोलता बहुत टक 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 कर देता, ये बहुत आवाज़ करता है। हमने कहा था इसको यहाँ से, वो बेस बना हुआ जी खाली पड़ा, वो सब हमने बेस बना हुआ जी खाली पड़ा है, हमने कहा था यहाँ से उखाड़ के उसको वहाँ लगा दो, लेकिन आज तक कोई किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी उसके बाद भी कोई नहीं। क्या नाम है जी आपका? देसराज शर्मा जी। क्या करना, क्या कहना चाहूँगी जी? यहाँ जी पानी की समस्या है जी पीने की, और इतने बड़े पार्क चंडीगढ़ में कोई नहीं है। इस पार्क में 1 टॉयलेट है, बुजुर्ग बंदे छोटे बच्चे ये उरले सिरे से परले सिरे तक जाकर रास्ते में पेशाब निकल जाता है, छोटा इधर भी बाथरूम होना चाहिए उरले गेट के ऊपर, और पानी की समस्या है, पानी की टूटियाँ होनी चाहिए 4-5, और घास सारा सूखा पड़ा, पानी छोड़ दे नहीं माली, पता नहीं कहाँ रहते हैं, जेई नहीं कहता उन्होंने कुछ, हमने कई बार शिकायतें कर ली जेई ने जाके भाई यहाँ कोई वर्कर नहीं नजर आता, बुरा हाल है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।